एक तरफ जहां इंदौर कोरोना से जूझ रहा है, वहीं शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महामारी के दौर में खुद के साथ साथ शहर की भी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक साथ 36 जुआरी मिलकर जुआ खेल रहे थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर पकड़ लिया। यह वो लोग हैं जिन्हें कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। महामारी के डर से दूर यह लोग कोरोना स्प्रेडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इंदौर पुलिस ने इनकी चाहत और मंसूबों पर पानी फेर दिया और थाने में ही कोविड गाइडलाइंस का पाठ पढ़ा दिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां कोरोना कर्फ्यू के बीच एक साथ 36 जुआरी एकत्रित हो गए, लेकिन सभी जुआरियों को क्राइम ब्रांच और चंदन नगर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दबिश के दौरान 36 जुआरियों से कुल 96,000 रुपए भी जब्त किए हैं। चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के मुताबिक पुलिस को प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह अड्डा हाल ही में शुरू हुआ था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अड्डे पे कार्रवाई की गई है, कितने जुआरी और कितना नकदी जब्त हुआ है? हरिओम नगर में नाले किनारे क्राइम ब्रांच और थाना चंदन नगर की संयुक्त दबिश दी गई, जहाँ पे 36 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। मुख्य आरोपी इसमें अजय मकवाना को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसमें 96,000 रुपए जब्ती किए गए हैं। जुआ एक्ट के तहत उक्त कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए जुआरी मजदूर तबके से आते थे और जुआ एक्ट के अलावा गिरफ्तार किए आरोपियों पर कर्फ्यू और प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। बता दें, जुआरियों को जब पकड़कर थाने लाया गया तो पूरा चंदन नगर थाना भर गया और ऐसा पहली बार हुआ होगा जब पुलिस थाने में पुलिस को जगह तक नहीं मिली बैठने के लिए। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की खास रिपोर्ट। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।